मारो। क्या नाम था उसका? इंस्पेक्टर समथिंग, सम इंस्पेक्टर, डिवाइन इंस्पेक्टर, डिवाइन इंस्पेक्टर। यार देख ले स्टोर में इसका। एक ही है। ठीक है सर। हाँ बाकी मार के मिलता है। मैं गेम का नियम है, जब जरूरत नहीं होती ना तब ढेर सारा। वही माइंड कोर इसका सारा हो गया है बस। माइंड कोर यूज करो। स्टैमिना 380 कर लो बे। पड़ा हुआ तीन बड़ा यू हैव सम ऑफ दिस स्पॉट। अच्छा उसी हेल्थ में नहीं थे। दैट्स इट, आई वोंट होल्ड बैक फ्रॉम नाउ, लेट्स फाइट। फाइट देखने में खो गया था मैं भी। मुझे वापस मन कर रहा है, मैं वापस एनजी प्लस जाके ना वापस फाइट करूंगा ये। या तो सॉफ्ट एक काम कर, तू पार्सल दे दे, मैं फाइट करता हूँ तेरा। नहीं भाई पागल है, मैं नहीं करूँगा। How sluggish that destiny will prove to burns of you. Oh, bada hai. Main bahut peeche se bada tha. Miss हो गया। Somehow seeing बड़ा बड़ा still नहीं नहीं हाँ बट वो है ना उसकी शीश थी। शीश You've lifted my spirits, young boy. When he was dragged to the execution yard, sword and spear was down, cleaver and cudgel crumbled, and yet he was unscathed. Yet he gave his life to put you in this place. Let me see you. निकल के पंखा डालना। अब पंखा ऑप्शन में भी डाल सकते हो। हाँ अवेलेबल था ऑप्शन। हाँ पंखा डाल। अरे यार
हील करना और फिर दौड़ते दौड़ते उसके मुंह पे उसको डैमेज दो हैवी है लॉस्ट में ब्रांच पे लेकर जाएगा फोन लगा बड़ा हो स्टैंड फुल है बहुत बढ़िया नाइस ट्रांसफॉर्मेशन यार नाइस अब तो मरेगा अब साले ने शील्ड निकाल ली नहीं निकालेगा मारो मारो लेते कितने हो आगे जाके रिकॉर्ड रिकॉर्ड दे अभी अभी फेज अभी आगे का फेज है हाँ अभी दो फेज और है थर्ड फेज में थोड़ा सा वापस मेहनत लगता है सेकंड फेज इजीएस्ट है इसका हेवनली वाला अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन देखना अभी इनका पूरा अल्ट्रामैन बन जाएंगे अल्ट्रामैन और ये बोलता है कि after very long time no after a very long someone has forced me to come into this form Wukong के बाद अब जाके कौन अरे ये तो नकली मोग है तब आपने कहा तुम छोड़ रखे मैं अच्छा ये लिटिल कैटेगरी के अंदर है भाई कितना खुश है अरे ये बोल रहे हैं पुश मी इनटू दिस बट अगर आपने तो चैलेंज दे रहा है सब तीन ही से कम ट्राई पे मारा तो हां तो आपने अगर 15 फाइट से कम मार दिया तो मैं थैंक यू चपरासी के लिए नहीं रखेंगे आरपी अरे हम सॉफ्टी को मैं चपरासी चीफ बनाऊंगा तुमको चपरासी को मैं बता रहे भाई मैं ही बता रहा था सच पावर मस्ट बी न्यू टू यू अरे ये कौन आ गए ये जो स्टार्ट स्टोरी के स्टार्ट में जो चार गॉड्स फोर हेवनली गॉड्स इनको तो बहुत इजीली मारोगे बहुत इजी है एक एक करके आते हैं तीनों नहीं आते साथ एक को मारोगे मतलब ये एचपी चारों का मिला के और इसकी एबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी है पहले को मारने के बाद आपको एक और एबिलिटी मिलेगी इसकी बस रॉक सैलेंट करते रहना ज़्यादा फोकस पर चार्ज हो गया है भाई मारो भाई डॉज है नहीं इसमें डॉज नहीं है सिर्फ भाई मारो डॉज है ही नहीं इसे ब्रॉक सॉलिड करना है डॉज के लिए कुछ नहीं करना है भाई मारो भाई और एक से पेंटते रहो उसको 25 का वो है गेम और पहले बॉस को मार लोगे ना तो फिर एक एबिलिटी खुल जाएगी वो फिर आइस फिस्ट खुल जाता है इसका ट्रिगर होगा बहुत Thank you.
तरफ जा रहे हो, इसके लिए यहाँ पे बहुत बहुत से आगे थ्री फिंगर है, मतलब नीचे जाना पड़ता है यहाँ से। आगे जाना था, वो पोटली है, पोटली के पीछे वहाँ पे दीवार पे मारना पड़ता है, वो रास्ता खुलता है, फिर वहाँ पे ड्रॉप डाउन करना पड़ता है। पता लगा दिया। बहुत कंफ्यूज करता है ये, ठीक हो गया। मैंने क्या यूज किया पता है? कैसे पता लगाया? देखिए देख रेनबो शॉट। पता चलता था मैं इधर आया कि नहीं आया। इधर आ यहाँ से। सामने जो मूर्ति है उसके पीछे जो आपका ये है चेस्ट, उसके पीछे वो मतलब उससे टकरा गए ना अब इसके लिए। अब यहाँ से नीचे उतरना है इस टास्क। पता चलेगा भाई, एक बार मार दिया, दो मार दिए, दो मार दिए, सिर्फ दो बचे हैं। हाँ मतलब आप स्विच कर रहे थे, मैंने स्विच नहीं किया था, एक बहुत पहले पूरा खत्म किया। पहले ये पंखे वाले को मारो ना, पंखे वाले को बहुत लो कर रखा है आपने। पंखे वाले को मार देते तो आयरन फिश मिल जाता। ये बेसिकली आपको इसकी एबिलिटी प्रैक्टिस कराने के लिए, बस असली इसके बाद फाइट होगी। सॉफ्टी क्या कर रहा है? अच्छा सुप्रीम इंस्पेक्टर से बोल रहा है भाई, ये साइकिल चलाता है। फिस्ट, अब आप आइस फिस्ट यूज कर पाओगे। आरटी प्लस एक्स क्या तगड़ा कठिन है, सबसे पहले मारा था मैंने। आरटी प्लस एक्स करो, अब मारो, डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जो है ऐसे ही होता है। यही तो उस दिन ये गीकी वर्ड ये बहुत सी बोल रहे थे, बिल्कुल रियल सी गेम है। बताओ फोर हेवनली किंग्स को फोर हेवनली रैट्स बना के मारा है। आपकी एच पी देखो कमी नहीं हुई है, मैं बोल रहा हूँ ना ये फाइट तब नहीं हुई है। मुझे भी ये चार जीतने का लगा था भाई, लाओ क्या मारूंगा मैं अलग से, तो मेरी बारी। अभी यहाँ अगर ये मर जाते हैं क्या होगा?
सिर्फ इसी फेज से चालू होगा। वो फेज सेव हो चुका है, मैं भी मर गया था। ये बताना है आर एस सेलेक्ट करने पर ड्राइवर कौन सा ड्राइवर, गेमर गेम रेडी ड्राइवर या ऑप्टिमाइज्ड गेम सेंसिटिव एप्लीकेशन? नहीं वो अनचेक कर देना आपके लिए। अच्छा ओके, इनेबल एस डी ओवर है
ऊपर भी था। अरे 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 ये क्या अटैक है, मुझे लगा कटिंग चालू हुआ है। आपको हील में हाँ आपको मिलेगी हील, चिंता नहीं, एनर्जी सोक करता है वो। देख रहे हो अब इसके हाथ में एक और एनर्जी है फायर वाली, ये अल्टीमेट एनर्जी है। इस वक्त आप सबसे ज्यादा डैमेज करोगे, कंज्यूम फोकस एंड स्कॉल्ड डैमेज एक्स आरटी प्लस एक्स। हाँ भाई मारो सेंट की गांड फट चुकी है अभी, मारो उसको पेलते रहो। जब फोकस पर चार्ज हो जाए तो वो वापस से हैवी अटैक। असली मंकी है कौन सा? हाँ ये दरवाजा खुलता नहीं होगा कुछ फायदा नहीं। जहाँ बस एक लड़की खड़ी रहती है उनसे बात कर सकते हैं, बट वो इसी फेज तक आने का वेट करना होता है जब उसका स्कॉर्च हैंड अनलॉक होता है। एक बार स्कॉर्च हैंड अनलॉक हो गया तो फिर अगला गेज आप सीधा बोलते हो खत्म। यू कंप्लीटेड द एंटायर फाइट। क्या देखो बहुत अच्छे अच्छे बॉसेस के सामने शील्ड काम करती है, डीएलसी के साथ के सामने काम करती है भाई। ये 100% लैंड ब्लॉक करती है, इसको मलेनिया के सामने चिपका दे देना, मलेनिया तुम्हारा ब्लड डांस करती है ना, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बस। मलेनिया ही तो जाती है, लेकिन आप गॉडली कट सीन है भाई ये, मैं इसके लिए बोल रहा था स्ट्रीम पे करो यार, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बट वो मैं हेलो YouTube लाइव लाइव रिएक्शन आता ना। बोला ना थर्ड फेज में बस उसके एक ही बार मरते हो आप अर्लैक चेंज से, ठीक है, बस तब आपको आइडिया नहीं होता। उसके बाद जब आप उसके स्कॉर्च हैंड तक पहुंच जाते हो ना फिर खत्म। आपको गेम की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर There must be somebody from the court.
मैंने पढ़ा था, कल ही पढ़ रहा था मैं, मेरे फाइनल बॉस के टाइम मैंने यूज नहीं किया था, इसका डैमेज और क्रिटिकल हिट सब सेम होता है, बट स्पीयर और थ्रस्ट स्टैंस यूज करना. The wind is his. My brother's tested you with my best. ये काले जाने में यूज़ करी मैंने. भाई हरा दिया भाई. मैं सोच रहा था कभी नहीं हरा पाऊँगा इसको. ज़िंदगी. नहीं भाई हर पे हरा लेता है. जब फोकस और फ्लो चाहिए होता है सर बस इसको मारने के लिए. आखिरी फाइट तो बहुत ही बढ़िया हुई यार. मतलब बिल्कुल मस्त एचपी एचपी बची. मॉर्टल डेथ फॉर एन अनडाउन. वो तो एचपी हील होती है. नहीं उसको डॉज करने की एबिलिटी दी ही नहीं है. आपको सिर्फ उसको डैमेज देना है. उसको इतना लो करना है ताकि आपकी स्कॉच्ड हैंड आपका अनलॉक हो जाए. बस एक बार स्कॉच्ड हैंड पांच बार पंखा रेन्यू किया भाई फाइट में. अच्छा वो हां वो तो यस वो तो भाई वो मुझे सिर्फ पहली फाइट चैलेंजिंग लगी. ये तो मैं सिगरेट पीते हुए एक हाथ से खेल रहा था. ये वाली तो नहीं सिर्फ पहली फाइट ही चैलेंजिंग है. ये वाली फाइट थोड़ी है. पहली फाइट ही है वो. वही जीतने में लोगों की गांड फटती बस. और मुझे वो पंखे वाली ट्रिक पता नहीं थी. ये मतलब वो चार्ज ऐसे होती है. पर मुझे हमेशा लगता हां मुझे हमेशा लगता था ना कि स्पिरिट जो है हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं. मुझे पता नहीं था डिफ्लेक्ट वाला ना. तो मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं नॉर्मल अटैक करता था तो चार्ज ही नहीं होती थी. भाई ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं. मैं उसी इंप्रेशन में खेलता था. तो जब मेरे एक एक बार यूजेज हो जाता था तो मैं फिर ये अपना स्पेल माइंडर लगा के डैमेज पे खेलता था. डैमेज और हील पे. I think तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि आप के पीछे सॉफ्टी को पिटता हुआ देख. अरे भाई कुछ करने ही नहीं दे रहा है. बस रिकॉर्डिंग बना दूंगा इसके साइकिल वाले फेज में तो और कुछ नहीं करने देता है. याद ही होगा तुम्हें भाई. बढ़िया डैमेज यार. ट्राई पॉइंट डबल एज स्पीयर भाई. सेम डैमेज है उसका. वुकोंग के स्टाफ जितना ही है.